Thank you. Sit down, please. Thank you, sir. हम लोग ने नंबर्स में यूनिट, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड पढ़ा था, ठीक है? यूनिट, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, ठीक है? यूनिट इकाई, दहाई, सैकड़ा, दस हजार, लाख, दस लाख, करोड़, दस करोड़, ठीक है? पर आजकल देखा है बाटा के जैसे चप्पल होते हैं या कुछ होता है, उसमें हमेशा 99 पैसे का फेर, ठीक है? क्या 40 रुपए 99 पैसे? जूता कितने का? 40 रुपए चप्पल, ठीक है? जूता कितने का? 180 रुपए 95 पैसे। ऐसे ही कोई जूता 200 रुपए 99 पैसे, किसी ना किसी में ये पैसे लगा रहता है, ठीक है? तो अब क्या करें? पूरा पूरा पैसा तो हम लोग दे सकते हैं, यूनिट मतलब 1 रुपया दे सकते हैं, टेंस मतलब 10 रुपया दे सकते हैं, 100 मतलब 100 रुपए दे सकते हैं, पर ये पैसे का क्या करें, ठीक है? पैसे का क्या करें? तो हम लोगों ने क्या किया था, 1 रुपए को 100 छोटे छोटे टुकड़े में बांट दिया था, ठीक है? 1 रुपए को कितने में भागा? 100 छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा। एक टुकड़ा कितने, ठीक है? ये रहा एक टुकड़ा, 100 में से 1 टुकड़ा क्या हुआ? 1 पैसा। 2 पैसा। 3 पैसा। 4 पैसे नहीं मिले। 5 पैसे। अब 4 पैसे कैसे करेंगे? 2 पैसे 2 पैसे के 2 ले लेंगे, ठीक है? 2 पैसे 2 पैसे के 2 ले लेंगे तो 4 पैसे, फिर 5 पैसा, 6 पैसा लेना हो तो 5 और 1, 7 पैसा लेना हो तो 5 और 2, 8 लेना हो 5 और 3, ठीक है? 9 लेना हो तो 5 3 1 या 5 2 2, ठीक है? 10 पैसे लेना हो तो ऐसे। तो अब ये क्या हुआ? पैसे चलने लगे, क्योंकि हर चीज रुपए में नहीं दी जा रही थी तो कुछ चीजें पैसे में। अब पैसे के लिए हम लोगों ने क्या किया? 1 पैसा क्या हुआ? 1 पैसा यानी कि 100 पैसे में 1 भाग, ठीक है? इसी तरीके से 2 पैसा 2 भाग कितने में से? 100 भाग में से। 10 पैसे की बात करें तो 100 में से कितना भाग? 10 भाग, ठीक है? तो फ्रैक्शन में हम लोग ने ऐसा पढ़ा हुआ था, ठीक है? 1/100, 2/100, 10/100। तो कभी भी अगर हम लोग के नीचे डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000, 10,000 ऐसे करके आए तो उसको हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहेंगे? डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है? और डेसिमल फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करेंगे? अब ये देखो, 10 में से 100 यानी कि 1 10 रुपए में से, ठीक है? इसको हम लोग क्या कहेंगे? 1.1, ठीक है? कैसे लेंगे? 0.1, 1 0 हो तो पॉइंट के बाद 1, 2 हो तो 0.01, जितने 0 यहां पे होते हैं डेसिमल के बाद हम उतनी जगह बनाते हैं, ठीक है? और अब हम इनको लिखेंगे कैसे? एक डेसिमल लगाएंगे और यहां पे हम लिखेंगे 10th, ठीक है? 10th, फिर 100th, ठीक है? जैसे कि अगर एक कोई सामान ले लिया 16 रुपए 75 पैसे, तो 6 क्या है? यूनिट है। 1 क्या है? टेंथ है। 7 क्या है? 10th है। 7 क्या है? 10th। और 5 क्या है? 100, ठीक है? यानी कि 7 क्या है? अगर 7 को देखा जाए तो 10 भाग अगर हो तो उनमें से 7 भाग ये हो गए, ठीक है? और अगर 100 भाग हो तो उनमें से 5 भाग ये हो गए, ठीक है? यानी कि जैसे अगर हम 20 पैसा लें तो 20 पैसा क्या है? 20 आउट ऑफ 100,
यानी कि 2 out of 10, तो हम हमेशा क्या लिखेंगे 0.2, ठीक है। और अगर ऐसे हुआ 5 out of 100, 5 पैसा, क्या लिखे 0.05। तो ये जितने भी ये वाले हैं देखो, ये 10th वाले हैं, ठीक है, और ये क्या है 100th प्लेस में है। 100 से डिवाइड करो तो ये आ रहे हैं, 10 से डिवाइड करो तो ये आ रहे हैं। तो ये जो भी पहले वाले प्लेस हैं ये सब 10 भाग से आए हैं, और जो दूसरे वाले प्लेस हैं ये सब 100 भाग से आए हैं, ठीक है। तो 16 रुपए 75 पैसे में ये क्या है, डेसिमल पॉइंट है। इससे पहले हमारा यूनिट टेंथ हंड्रेड जैसे चलता था, और इसके बाद क्या चलेगा, टेंथ हंड्रेड, अगर ऐसे ही आगे ले जाए तो थाउजेंड एंड सो ऑन, ठीक है। मान लो 163 रुपीज 78 पैसे, ठीक है, ऐसे हम लोग लिखते थे 163 रुपीज 78 पैसे, ठीक है। रुपीज इसमें कितना हुआ 163, पैसे कितने हुए 78 पैसे, ठीक है। इन सबको एक साथ हमने डेसिमल में लिख दिया, पर जब डेसिमल बोला जाता है, ठीक है, जब डेसिमल बोला जाता है तो दूसरे प्लेस की वैल्यू और इस प्लेस की वैल्यू जैसे 8-7 से बड़ा है, ठीक है, तो हम इससे ऐसे नहीं बोलते 78, क्या बोलेंगे 7-8, ठीक है। जैसे 163 रुपीज 78 पैसे ऐसे होता, और 163 रुपीज 081 होता। अब अगर गौर से देखो 163 163 तो सेम हो गया, आपको ऐसा लगेगा कि 78 तो छोटा और 81 बड़ा, पर अगर गौर से देखिए इस प्लेस में कौन बड़ा है, 7 बड़ा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट प्लेस में 8-8 तो क्या है, बराबर है। तो डेसिमल के बाद हम लोग हर एक एक संख्या को उससे इंडिविजुअली अलग अलग करके लिखेंगे, ठीक है। 78 के बगल में नीचे पैसा, ठीक है, टी पैसा। तो ये 7 और 8, यानी कि हम 78 नहीं बोलेंगे, क्योंकि अगर इसे 78 बोलेंगे तो यहाँ पे 81 हो जाएगा, यानी कि ये बड़ा हो जाएगा। तो हम ऐसे बोलेंगे नहीं, कैसे बोलेंगे 163.78, 78 नहीं 78, 163.081, ठीक है, 0.081। डेसिमल के बाद जो जो चीजें होंगी उनको एक एक करके देखेंगे तो मालूम पड़ जाएगा कौन बड़ा है कौन छोटा है। एक साथ लिखेंगे तो ये देखिए ये छोटा लगेगा ये बड़ा लगेगा, बल्कि ये छोटा है, क्यों, क्योंकि 7 पहले बड़ा है, पहले 7 बड़ा है, फिर 8 आ रहा है, यहाँ तो पहले 0 है फिर उसके बाद 8 आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हमेशा डेसिमल से पहले जैसे बोलते हैं वैसे बोलेंगे, पर डेसिमल के बाद एक एक करके, ठीक है। तो अगर जैसे कोई भी चीज लिखी हुई है 80 point, क्या लिखेंगे 80.72 नहीं बोलेंगे 80.72, ठीक है। अब इनमें से अगर बड़ा और छोटा देखना होता तो हम लोग कैसे देखते, 163.78 163.081, ठीक है। अब अगर देखना होता तो पहले इधर देख लेते हैं इनमें से कौन बड़ा है, जब ये दोनों बराबर हो तो डेसिमल पे जाते हैं, पहले वाला देखेंगे इनमें से कौन बड़ा, 7 बड़ा, तो यानी कि ये नंबर बड़ा, ठीक है। अब अगर मान लो दोनों में 7 हो जाता तो फिर 7-7 तो बराबर हो जाते, फिर नेक्स्ट पे जाते ये भी बराबर होते, तो नेक्स्ट में जाते यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, 0 है, तो ये क्या है 1 है, तो कौन बड़ा, नीचे वाला बड़ा। तो एक एक नंबर को एक एक करके देखो तो मालूम पड़ेगा कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है। कोई दो बच्चे आ जाओ, ठीक है, तो करके आओ, खड़े हो, कितना है 25 point, ठीक है, इसका वेट आया 25.5,
इसको यहाँ पे रखे खड़े, इधर को इसे सब देखिए। अभी आ रहा है 36.7 आ रहा है, 36.7। इनमें से किसका वेट ज्यादा होगा? पहले तो 36 ही ज्यादा है 25 से, तो हमें आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। पर अगर मान लो दोनों का वेट ऐसे होता तो किसका ज्यादा होता? नीचे वाले का ज्यादा, क्योंकि डेसिमल के बाद यहाँ पे 7 है और वहां पे 5 है। तो इस तरीके से आप लोग अपना सब लोग वेट निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा आप सब आ जाओ एक एक करके जल्दी जल्दी एक टेबल एक टेबल, और जल्दी जल्दी वेट। कौन हेल्प करेगा मेरी? सबके वेट देख देख के बताना, ठीक है। नंबर वन, डेसिमल तक बताना। थर्टी पॉइंट्स में कुछ आया? 30.7। फिर 35.7। चलो नेक्स्ट, जल्दी 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 जल्दी, टाइम नहीं। तुम बेटा सीधे खड़े रहो वरना वेट गड़बड़ हो जाएगा। 25.7। नेक्स्ट, पांच लोग जल्दी जल्दी कर लो। 25.2। यानी 0.0 बस। अब एक एक करके बाद में लेंगे, ठीक है। अब देखो ये पांच लोगों का वेट हुआ 35.7, 25.7, 25.3, 35.2 एंड 25। अब हम लोग को इसे जो है असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, यानी कम से ज्यादा की ओर। तो सबसे कम वेट पहले 25 वाले देखेंगे, 25, 25.7, 25.3 एंड दिस इज 25.0। तो कम कौन है? 25.0, ठीक है। इससे बड़ा कौन होगा? 25.3। फिर इससे बड़ा कौन होगा? 25.7। उससे बड़ा कौन होगा? देखो एक 35.7 है, एक 35.2 है, 35.2। इससे बड़ा कौन है? 35.7। यानी कि सबसे ज्यादा वेट किसका है? 35.7 का, और सबसे कम वेट किसका? 25.0, ठीक है, यानी 25। अब एक बार जो है घर से में जो है मुझे सामान लेने के लिए भेजा गया, मम्मी की जो है पैर में दर्द था, कहते बेटा तुम जाके सामान ले आओ। मैं सामान ले आऊं? कहते हाँ बस थोड़ा सा सामान लाना है, बस जाओ थोड़ा सा सामान लाना है, ज्यादा नहीं लाना है। हमने कहा ठीक है भाई लिस्ट दे दो, मैं क्या अपने आप से तो नहीं लाऊंगा, जो सामान की लिस्ट दे दो वो उसमें पैसा नोट करके ले आऊंगा और हिसाब दे दूंगा। कहते ठीक है, लिस्ट दे दी, छोटी सी लिस्ट थी। बड़ी छोटी सी लिस्ट दे दी कि जाके ये सामान ले आओ। गए दुकान में, हमने कहा भाई ठगे ना जाएं, क्या करें? तो मम्मी ने कहा सरकारी दुकान है वहां पे मार्केट में, वहां पे जाओगे तो हिसाब बिल्कुल फिक्स है। पर अब फिक्स हिसाब यानी कि उसमें कुछ कम ज्यादा तो नहीं कर सकते, उनके टैक्स एक्स काट के डेसिमल में भी चीजें थी। अब लेने गए उनके दुकान से, चलो तो भाई मेरी थोड़ी मदद कर देना, ठीक है, सामानों को जोड़ने में। पहले सब्जी की दुकान में गए, आलू
आलू 6 रुपए का दिया उसने, ठीक है 6 रुपए किलो। आलू कितने का लिया? 6 रुपए का। देख लेना ढंग से कैलकुलेट करना, वरना घर पे भी मुझे भी मार पड़ेगी। फिर टमाटर लिया, टमाटर 8 रुपए का, ठीक है। मटर ली 7 रुपए की, गोभी ली, एक गोभी 3 रुपए 75 पैसे की दिया। अब ये भी क्या करे, सरकारी दुकान थी और डेसिमल में भी दे रहा था। टैक्स वैक्स काटने के बाद जो होता है एग्जैक्ट उतना ही देते हैं। अब गोभी कितने की दी? 3 रुपए 75 पैसे की। हमने भैया थोड़ा मिर्चा डाल दो, कहता थोड़ा वोड़ा का कोई हिसाब नहीं है, 1 रुपए 25 पैसे का मिर्चा, 1 रुपए 25 पैसे का मिर्चा। धनिया लिया, हरी धनिया 2 रुपए की गड्डी दिया। आप ज्यादा बताओ यहाँ पे क्या हो गया होगा? 10, ठीक है। और फिर एक हासिल, 7 × 1 = 8, 0, 1 कैरी, 7 + 8, 7 + 8 कितना हुआ? 15 + 7 = 22, 22 + 3 = 26, 28 रुपए 00 पैसे, यानी कि ये तो हिसाब चलिए बिल्कुल सही रहा। 30 रुपया मैंने उसे दिया, 20 रुपए की एक नोट और 10 रुपए की एक नोट, कितना लौटाएगा? 2 रुपए लौटा देगा। 2 रुपए लिया, जेब में रख लिया, चलो चल दिए। नेक्स्ट दुकान में गए, अब अपने मतलब की चीजें लेनी थी। एक पेन लिया, घर 6 रुपीज 85 पैसे। पेंसिल ली, 1 रुपए, कौन सा पैसे, 82 पैसे, तो क्या कहेंगे 1 रुपीज 82, ठीक। अब रबर लिया, ठीक है, रबर यानी इरेजर 1 रुपए 60 पैसे। तो पीछे थे हिसाब के थे, सब चीज डेसिमल का डेसिमल का डेसिमल का। एक कॉपी ली, 8 रुपए 30 पैसे। स्केल लिया, 4 रुपए 70 पैसे। बस अब क्या होगा, जोड़ते हैं 7 8 8 16 + 6 = 22, 22 + 3 = 25, 7 ये इरेजर रबर जो आप कहते हैं, ठीक है, मिटाने वाला, 9 10 11 19 23 रुपए 27 पैसे। कितने रुपए दे दे, चलो 20 रुपए की एक नोट और 5 रुपए की एक नोट उसे दे दी, ठीक है, यानी 25 रुपए दे दिए। 25 रुपए में से 23 रुपए 27 पैसे काटे, ठीक है, पैसे पैसे काटते हैं, छोड़ते कुछ नहीं। तो कितना रिटर्न किया होगा? 25 रुपए में से 23 रुपए 27 पैसे, 25 रुपए यानी कोई पैसा नहीं, 23 रुपए 27 पैसे काटने थे। तो इससे ये जाएगा पड़ोसी से उधार मांगेगा, पड़ोसी के पास भी नहीं, पड़ोसी भी कंगाल, भाई से ले लेगा, ठीक है, पड़ोसी के पड़ोसी से मांगेंगे, ठीक है। इसने लिया, फिर इसने इसको दिया, क्या हो गया 10 में से 7 गया 3, यहाँ पे कितना बचा 9 बचा था, 9 में से 2 7, ये अब क्या बचा था 4 बचा था, 4 में से 3
1 रुपए 73 पैसे लौटा दिए, ठीक है, उसको भी रख लिए। पेंसिल 1 रुपीज 82 पैसे, इरेजर रबड़ रबड़ रबड़, ठीक है रबड़, हाँ तुम लोग मदद कर रहे हो। रबड़ के बाद कॉपी, कॉपी के बाद स्केल, अब मेरी मदद करो ना, चलो ब्रश, पूरे महीने भर का सामान लेने के लिए भेज दिया, 1980 पैसे। मंजन 25 रुपए 75 पैसे। मोमबत्ती लाइट जाने वाली थी, 4 रुपए 20 पैसे। अब इस दुकान से भी ले लिया, कितना हुआ? पैकेट लिया था, कितना हुआ? 8 7 15 15 प्लस 2 10 15 49 रुपीज 75 पैसे। 50 रुपए दिए, कितने वापस हो जाएंगे? 49 रुपीज 75 पैसे का था, 50 रुपए दिए, कितने रुपए रिटर्न होंगे? 1 रुपए रिटर्न कर देगा, 75 पैसे छोड़ देगा, 50 रुपए दिए 25 पैसे, 49 रुपीज 75 पैसे तो खर्च हो गए थे, बचे कितने? 25 पैसे। कैसे? इसने इससे उधार मांगा, पड़ोसी कंगाल, पड़ोसी ने दूसरे से उधार मांगा, वो भी कंगाल, उसने उससे उधार मांगा, वाह रे वाह। ये क्या हुआ? 10 माइनस 5 5, ये कितना हो गया था? 9। ये कितना हो गया था? 9 0। ये कितना हो गया था? 4 0। यानी 25 पैसे उसने लौटाए, ठीक है। सब आप लोग स्केल लेंगे और स्केल से 7.6 सेंटीमीटर के कागज की लेंथ काटेंगे, ठीक है, कितनी? 7.6 सेंटीमीटर, ठीक है, काट लेंगे। ठीक है, बड़ी छोटी कोई फर्क नहीं पड़ता। 7.6 सेंटीमीटर, के नाप के काटेंगे और जल्दी नहीं करेंगे, जिसका सबसे सही होगा वही जीतेगा, ठीक है। आपस में काटते जाओ, एक काट ले फिर दूसरा काट लेगा, ठीक है। हाँ, 7.6 सेंटीमीटर, ये कितना है? 1 2 3 4 7, 7.5 7.6, ठीक है। देखो 7 तक गए, 7 के बाद 7.1 7.2 7.3 7.4 कहाँ तक? 7.6। ये देखो 7 है, 7 के बाद 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6, वरना दूसरा स्केल ले लो, ठीक है। अच्छा रुको, मैं एक्सप्लेन कर दूँ। देखो 1 के बाद 2 के बीच में 10 भाग है, तो एक भाग क्या है? 0.1। जैसे 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 ऑफ इट 2। इसी तरीके से 7 तक आएंगे, फिर 7.1 7.2 7.3 7.4 इतने नाप का काट दो, 7.6
7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, ये देखो 7.5 और ये 7.6, ठीक है। एक एक जो है वो क्या है, डेसिमल में चल रहा है। हाँ, स्केल लगा लो अपने स्केल यूज। हाँ, 7.6 तक मोड़ के काट लिया, स्केल से नापा, ठीक है। 7.6 का पहले सब काट लें, ठीक है। बस 7.6 तक करो, ऐसे फोल्ड कर दो। सर देखिए पहले सही है, उसे नाप कर देखिए तो सर। और उसके बाद फट, अब ये तुम्हें चेक करना है। सर पहले 7.6 यहाँ तक, ठीक। 7.6 तक इसको फाड़ दीजिए, ठीक। 7.6 का पहले सब लोग काट के फाड़ के अलग कर लें, ठीक है। काट लिया, सेवन और एट के बीच में 10 है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 लंबा वाला है, फिर 6, 7, 8, 9 और फिर 8। तो देखो 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6। सही है। अब इसमें से सबके हो गए 7.6 के, इसमें से 3.7 सेंटीमीटर का नाप के फाड़ देंगे। कितना? 7.6 की जो आपकी स्लिप है, इसमें से 3.7 को नाप के हटा देंगे, ठीक है। खाली 7.6 वाली स्लिप में, अलग से नहीं लेंगे, 7.6 वाले में से 3.7 मेजर करके हटा देंगे। अब इसमें से 3.7 मेजर करके हटा दो, इसी स्लिप में से 3.7 सेंटीमीटर मेजर करो, उसको फाड़ के हटा दो। हाँ, 7.6 सेंटीमीटर में से 3.7 सेंटीमीटर को फाड़ के हटा दे रहे हैं, हो गया। बचा हिस्सा 3.7 को हटा दीजिए, बचा हिस्सा अपने हाथ में रखिए। 3.9 बचा, देखते हैं। चलिए सब लोग इधर देखिए, सेवन पॉइंट सिक्स में से 3.7 हटाया, 6 में से 7 जाएगा, तो क्या करेंगे, पड़ोसी से मांगेंगे। 16 में से 7 गया, कितना बचा? 9, और 7 कितना बचा होगा? 6 में से। तो सब लोग ये देखिए कि बचा हिस्सा 3.9 का है कि नहीं है। बिल्कुल सही है तुम्हारा, 3.9 का है, ठीक है। तो क्या किया हम लोग ने, एक डेसिमल कितना था 7.6, दूसरा वहां कितना था 3.7, सब्ट्रैक्ट किया तो देखो 3.9 मेजर हो के आया, ठीक है। देखिए हम लोग जब भी चीजें कैलकुलेट करके देखते हैं तो यहां तो हम करके निकाल रहे हैं, पर आपने करके देखा कि सच्ची में अगर हम कोई भी चीज सब्ट्रैक्ट, मतलब क्या है, उसको हटा रहे हैं, खर्च कर दे रहे हैं, तो अगर खर्च करके देख रहे हैं तो वही चीज आनी चाहिए ना जो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करके देखते हैं। हम लोग ने कागज का 7.6 लिया, उसमें से 3.7 फाड़ के हटा दिया तो 3.9 बचना चाहिए, ठीक है। जिस जिसका नहीं आया वो करता रहेगा, और इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, सब लोग अपना वेट मेजर करेंगे और पूरे क्लास की एक लिस्ट बनाएंगे। हाँ, सबसे कम से लेकर सबसे
ज्यादा तक की लिस्ट बनाएंगे कि सबसे ज्यादा वेट किसका, उससे कम किसका, उससे कम किसका, उससे कम किसका, डेसिमल के अकॉर्डिंग। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।